Hi, this is Khushbu with the theorem on triangles. It's based on, in a triangle, if square of one side is equal to sum of the squares of other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle. अभी अगर आपने लास्ट की वीडियो देखी हो उसमें हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ कराया था। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें पहले से कह दिया है कि जैसे पाइथागोरस का आपका प्रूफ होता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर गिवन है हमारे को कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि वो एक राइट ट्रायंगल है, हमें एंगल पर आइडेंटिटी प्रूफ करना है, ये कन्वर्स है उसका। सो बेसिकली अगर हमारे पास लेट्स सपोज एक ट्रायंगल गिवन है which is A, B, C. हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ए सी स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। प्रूव हमें करना है कि एंगल बी 90 डिग्री है। 90 डिग्री हमारे को दिया नहीं हुआ, हमें ये दिया हुआ है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ अगर हम कंस्ट्रक्शन कर ले इसमें, हम एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं पी क्यू आर सच दैट ये जो पी क्यू है ये इक्वल है ए बी के, और ये जो हमारे पास बी सी है ये इक्वल है इसके, और ये जो एंगल क्यू है दिस इज 90 डिग्री। ड्रॉ a triangle PQR, right angled at Q, such that PQ is equal to AB, or QR is equal to BC. ये हमें क्या है? ये हमने मतलब इधर से construction किया। Now proof. अगर हम लें इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब पी क्यू आर तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट मींस हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब हमें ये पता था, ये हमें गिवन है कि पी क्यू इक्वल है ए बी के और क्यू आर इक्वल है बी सी के, तो मैं यहां लिख सकती हूँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एज पी क्यू इक्वल टू ए बी क्यू आर इक्वल टू बी सी। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है, हम मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन नंबर वन, और एक इक्वेशन हमारे पास ये है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर इनका ये आर एच एस सेम है, ये चीज आप देख रहे हो दिस इज सिमिलर, तो इनका ये जो हमारा ये वाला पार्ट है ये एल एच एस पी आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर ये भी इक्वल होना चाहिए, देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। सो यहां से क्या आ गया हमारे पास, यहां से हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आ गया पी आर इज इक्वल टू ए सी। सो पी आर ए सी के इक्वल है, इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। अब अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करती हूं, सो हमारे पास क्या आएगा यहां से, सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी क्या गिवन है हमारे को, हमें गिवन है कि ए बी इक्वल है पी क्यू के, और हमें गिवन है बी सी इक्वल है क्यू आर के। ये हमने किया बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, और ए सी इक्वल आया है पी आर के। प्रूव द अबव, सो तीन साइड्स इक्वल आनी है, दैट मींस एस 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 साइड 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 पे हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस। अब हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी यानी क्यू के इक्वल है, तो ये आ सकता है हमारे पास कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय सी पी सी टी। अब अगर एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, अगर एंगल क्यू 90 है तो एंगल बी भी
90 डिग्री आएगा. Therefore, angle Q is 90 degree. As angle Q is 90 degree, therefore angle B is 90 degree. तो angle B हमारे पास आ गया है यहाँ से 90 degree. ये हमें prove करना है. So this was simple theorem. सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है, हमने दो triangles बनाए. उन दोनों triangles में इस वाले triangle पे आपने Pythagoras theorem लगाई, because इसमें already 90 degree given था angle, तो हम ये लगा सकते हैं. उससे हमने की side equal करी, third side triangle को congruent करा. कॉम्प्लीमेंट करके सीपी सीटी से उनके एंगल्स इक्वल करें, जिससे ये वाला एंगल आ गया 90 डिग्री. सो ये जो थ्योरम है बेसिकली इसका जो कंक्लूजन है ये आपके क्वेश्चंस में यूज हो रहा है, तो आप इसको भी यूज करोगे. ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है. जिससे पहले हमने थ्योरम करा है वो था पाइथागोरस थ्योरम. सो दिस वॉज थ्योरम नंबर 6.9 फ्रॉम योर एनसीईआरटी. अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है या कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज हमें बताइए. सो नीचे स्पेस गिवन है उसमें लिखिए एंड डू सब्सक्राइब अस. गुड बाय.